करते हैं एक नए सेशन के साथ। तो आज मिलेंगे हम एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में जस्ट चर्चा करेंगे। लेट्स गेट स्टार्ट बच्चों, क्या होता है नाउ जस्ट आप देख लेते हैं। ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एट फर्स्ट कहा गया है कि हमें एक सर्कल बनाना है 6 सेंटीमीटर का। आफ्टर दैट हमें पता कैसे होगा सब कुछ ऑलरेडी आपको बताया जाएगा, लेकिन पहले तो क्वेश्चन पे अटेंड करते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, इट्स मीन्स बताया ही जा रहा है इसमें डबल सर्कल बनने वाले हैं। एक तो एक सर्कल 6 सेंटीमीटर का रेडियस का बनेगा सर्कल एंड 10 पॉइंट की दूरी पे फिर से सेंटर से बनेगा। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स, टेंजेंट्स होता है पेयरिंग की कंडीशन होगी बच्चों, टू द सर्कल एंड मेजरमेंट दिया। उसके पहले हम बताना चाहेंगे कि आप एक थम्सअप तो जरूर देंगे बच्चों, क्योंकि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। होता क्या है, हम हेल्प लेते हैं जस्ट, ये हमारा रहने वाला है आपका ये जिसे स्केल कहते हैं पटरी, एंड ये हमारा होगा कंपास। कंफर्म हो चुका, प्रोटेक्टर होता है, प्रोटेक्टर की मदद होती है जिसे चांदा कहा जाता है। ये हमारा कंपास यानी गोला प्रकार, समझ में आ गया। तो ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, रखेंगे क्या 0 पॉइंट से हम ऐड कर लेंगे अपना। ये होता है यहाँ से मेथड, जब हम करेंगे इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक 6 से यहाँ पे नाप करके हम क्या बना लेते हैं, एक टाइप्स का एक सर्कल बना लेते हैं। चलिए हमारा एक सर्कल बन गया, समझ में आ गया, मैनेज कर लेंगे। सर्कल हमारा ऑलरेडी सर्कल नहीं बन चुका है। तो फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर, ये हमारे यहाँ से यहाँ तक दूरी इसकी कितनी है 6 सेंटीमीटर की। फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर, यहाँ से यहाँ इसकी पॉइंट कितनी होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर की। रख रहे हैं ना कुछ ऐसा, देख रहे हैं 10 पॉइंट पे। जस्ट कहने का मतलब है 10 पॉइंट से यहाँ से लेकर के यहाँ पे यही पॉइंट हम यहाँ ऐड करेंगे। तो मान लेते हैं, लेट्स हम ले लेते हैं इतनी दूरी हमारी, ए पॉइंट हमारा ओ है, ये हमारी जस्ट 10 पॉइंट 10 सेंटीमीटर की पॉइंट हो चुकी है, जो कि पॉइंट हम पी ले चुके हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, अगर आपको समझ में आ रहा हो लेक्चर तो एक थम्सअप जरूर आप करेंगे, एक लाइक ज़रूर करेंगे, और बिना लाइक किया ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सअप पर शेयर करेंगे अपने भी फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि जितने भी पुअर आप, हम ये चाहते हैं कि हमारे वीडियोस पूरे से पूरे भी बच्चे रहें तो फ्री ऑनलाइन कोर्सेज जारी रख सकें और देख सकें बच्चों। तो होता क्या है, एक 10 सेंटीमीटर की पॉइंट रख लेते हैं हम। ड्राई सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर, सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स, जस्ट व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंट्स, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंट्स। ये आपके लिए रहने वाले हैं क्लास वर्क, जस्ट आपके लिए 10 सेकंड के टाइम लगते हैं। होते क्या है, आप स्टार्ट होते हैं। चलिए तो चैट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंट्स, ऑलरेडी आपको पता है बच्चों। तो टेंजेंट्स की ये कंडीशन होती है किसी भी पॉइंट से वो ड्रा होती है, वो सर्कल पे जब अटैच होता है, वन ही कोई सर्कल है जब एक पॉइंट पे अटैच हो रहा है, पॉइंटिंग को टच कर रहा है, तो ये हमारा क्या है, टेंजेंट है। डबल कह रहा है, ये है पेयरिंग की कंडीशन, सिर्फ सर्कल के एक पॉइंट पे जब वो टच करता है तो वो कंडीशन हमारी टेंजेंट्स की कहलाती है। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। चलिए जब यहाँ तक आगे आपको समझ में आ चुका है तो आगे क्या कंडीशन देखते हैं हम, कि टू द सर्कल एंड मेजर दिए लेंथ, और उसके टेंजेंट्स बनाने के बाद आपको जस्ट उसके लेंथ भी फाइंड करने होंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले हम एक यहाँ से रख करके आधी, मतलब कि ये फुल है पूरा 10 सेंटीमीटर, तो इस पॉइंट से लेकर के यहाँ से हम इस कंपास को रख करके आधा से ज़्यादा हम यहाँ पे एक आर्क लगा लेते हैं, उसी लेंथ के लेकर के यहाँ पे एक आर्क लगा लेंगे, बिल्कुल भी लेंथ की लंबाई आप चेंज नहीं करेंगे। ओके, समझ में आ गया। तो इस पॉइंट से यहाँ से यहाँ तक नोट डाउन हो गया। अब आफ्टर दैट उसी लेंथ से हम कंपास को यहाँ से रख करके एक पॉइंट यहाँ पे आर्क कर लिए, एक यहाँ, दोनों को हम क्या कर देते हैं, स्केल के माध्यम से आप ज्वाइन कर दिए। अटेंड हो गया, कोई प्रॉब्लम, इफ यू हैव टू एनी प्रॉब्लम यू डिस्कस बाय कमेंट बॉक्स। ओके, नोट डाउन हो गया। अब आगे के पोजीशंस में आप कर सकते हैं, यहाँ पे मिड पॉइंट हमारा इंटरसेक्ट हो रहा है ओपी को, मिड पॉइंट कोई भी नॉमिनेट कर सकते हैं एज योर विश, ये तो अपने ऊपर निर्भर होता है। पॉइंट क्या ले लेते हैं, चलिए ले लेते हैं पॉइंट यम, नोट डाउन हो गया, यम पॉइंट आप ले लिए। कोई कंडीशन, कोई प्रॉब्लम, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों तो आप फटाफट चैट सेक्शंस में, ऑनलाइन कोर्सेज जारी हैं, आप फटाफट नोट डाउन कीजिए और फटाफट आप चैट सेक्शंस में कमेंट कर लीजिए कि नहीं मैम ये क्वेश्चंस, ये स्टेप्स हमें नहीं आ रहे हैं, तो ऑलरेडी आपके सॉल्यूशंस जरूर बताए जाएंगे। तो होता क्या है, यम पॉइंट पर नोट डाउन हो गया। आगे के पॉइंट्स कह रहे हैं कि टेंजेंट टू द सर्कल,
तो इसी पॉइंट को हम लेकर के यहाँ से यहाँ तक ऐसा बनाते हैं, इसको हम एक पॉइंट्स को ले लेते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा P है। इस पॉइंट पे हम रख करके उसे कंपस बना देते हैं, पूरा पूरा सर्कल बना देते हैं। इसी पॉइंट पे रख करके हम क्या करते हैं उसे, ये देख रहे हैं उतनी ही दूरी से हमारी ये सर्कल बन रही है। तो ऑलरेडी हम इसे एक सर्कल बना दिए, नोट डाउन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो मिड पॉइंट तो इंटरसेक्टिंग ओपी को कर रहा है एम पॉइंट, अब ये एक इंटरसेक्ट हो गया। अब जस्ट हमें पता है जब कोई भी कंडीशन होती है तो यही तो होती है, तो एक सर्कल है यहाँ से यहाँ एक पॉइंट पे टेंजेंट ये इंटरसेक्ट करेगा और एक पॉइंट से यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा। मान लेते हैं इसे पॉइंट क्यू एंड आर, नॉमिनेट तो करना होता है, जस्ट अपने ऊपर लेना होता है। इसके लिए भैया देखते हैं कि सिर्फ तू सिर्फ ऑलरेडी चाहे जो मन कहे बस अपने आप पे ही एज योर बेस, कोई भी कन्फर्म नहीं करना है कि यहाँ पे क्यों ही क्यों क्यों रखा गया है, क्यों क्यों रखा गया है, आर क्यों रखा गया है। तो ऑलरेडी आप एक्स वाई जेड नॉमिनेट कर सकते हो, समथिंग्स कुछ भी कर सकते हो, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। नोट डाउन हुआ, यहाँ तक आपको फिगर समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, समझ में आ गया। चलिए तो अब ऑलरेडी आप आगे करेंगे क्या, पूछा क्या गया है कि सबसे पहले मीजर दी ए लेंस, मीजर दी ए लेंस, उसके ऑलरेडी हम लेंथ बताएंगे किसकी, इस टेंजेंट्स की, इस टेंजेंट्स की हम लेंथ बताएंगे। आफ्टर दैट आपको ये भी नॉमिनेट नोटिंग में लिखा गया है सबसे ऊपर, वो हम नहीं लिखे कि आपको जस्टिफिकेशन भी बताने हैं एंड आफ्टर दैट कंस्ट्रक्शन भी बताते हैं। ऑलरेडी जस्टिफिकेशन समथिंग थोड़ा बहुत कम भी पूछे जाते हैं, लेकिन जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, अपना फिगर बना रहे हो, उसमें ऑलरेडी हमें ये आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जरूर लिखते हो, लिखने होते हैं। कंफर्म हो गया, तो आगे करेंगे क्या, सबसे पहले हम देखते हैं मीजर देयर लेंस, मीजर देयर लेंस, तो इसकी लंबाई नापना है। इसकी लंबाई नापोगे भैया कैसे, कि कितनी दूरी पे है, कितना नहीं है, कैसे है कैसे नहीं है, कुछ समथिंग्स। आपको यहां से यहां तक दूरी कंफर्म हो चुकी है, आप इस पॉइंट्स को ऐड कर सकते हो, टेंजेंट्स ये हमारा है, टेंजेंट्स हमारा है, सॉरी यहाँ पे बाहर नहीं जाएगा, यहीं पे ऐड होगा, ये पॉइंट हमारी क्यों यहाँ होगी, टेंजेंट्स कुछ ऐसा हमारा होने वाला है, देख रहे हैं ना, आप इसे इसे ऐड कर दिए हैं, थोड़ा सा बीच बीच में अगर क्रॉस भी करना चाहें तो ऐसा ऐसा कर सकते हैं। ओके, नोट डाउन हो गया, चलिए समझ में आ गया, मतलब एंड सो ऑन डॉट 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 करके। ओके, तो कोई भी टेंजेंट्स पे वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी कि रेडियस ही परपेंडिकुलर होता है किसी भी टेंजेंट्स पे, और ये भी हमें कंफर्म है कि रेडियस एंड टेंजेंट्स मिल करके 90 डिग्री बनाता है। कंफर्म हो गया, रेडियस एंड टेंजेंट्स मिल करके 90 डिग्री बनाता है, कंफर्म, नो प्रॉब्लम, यस, लिखेंगे थम्स अप देते हुए आप फटाफट से। चलिए एक लाइक कर दीजिए, जिससे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपके लाइक से ही हमें ये प्रमोटिंग होती है कि नहीं हमारे पढ़ाए हुए बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको ऑलरेडी समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे के पोजीशंस देखते हैं, क्या मीजर दिए लेंस, हमें ये पता हो गया है कि ये इसकी लंबाई तो 10 सेंटीमीटर है एंड इसकी 6 सेंटीमीटर है, जस्ट आपका ये पूछा जा रहा है, जस्ट बाई हाइपोटेनियस लगाओगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। होता क्या है कि जस्ट 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, जो साइड होती है, हाइपोटेनियस की होती है एंड बेस एंड परपेंडिकुलर समथिंग्स हम ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो इसमें पता हो गया है बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या है पाइथागोरस थ्योरम, कुछ पता है बच्चों, इतना देर से छाप ही रहे हो। चलिए हम बताते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, होता क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर परपेंडिकुलर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस हमारा क्या है, जस्ट 90 डिग्री के सामने वाली भुजा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी के हमारे 6 सेंटीमीटर है, तो 10 का होल वर्ग है, बेस हमारा वही ले लेते हैं, बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 6 स्क्वायर, ये हो जाता है 10 इंटू 10 100 इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 6×36, ऑलरेडी 100 है, इसे हम इस साइड ले लेते हैं, प्लस है तो निगेटिव पॉइंट में आ जाएगा, बी स्क्वायर 100 माइनस 36 64, जस्ट स्क्वायर को हटाने के लिए अंडर रूल ऐड होता है, इतना तो पता है ना बच्चों। चलिए अंडर रूल 64 इक्वल टू बी, ये हो गया अंडर रूल में ही 64 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं, तो होता क्या है 2 × 2 2 × 2 2 × 2, इतना आ जाता है 2 2 2 2। ओके, तो आगे भी तो हम करेंगे कि अब पेयरिंग कुछ ऐसा आपके सामने दिख रहा है, कुछ ऐसा होता क्या है, कुछ ऐसा आपके सामने ही दिख रहा है, पेयरिंग में जब निकाल लेते हैं तो 2 इससे भी निकल गया,
टू इंटू टू इंटू टू, ऑलरेडी अंडर रूट हट गया। कहने का मतलब है भैया अंडर रूट टू इंटू टू है तो टू इंटू टू निकल आया बाहर, अंडर रूट खत्म क्लास। तो टू इंटू टू इंटू इक्वल टू बेस है ये जस्ट, दो दूनी चार दूनी आठ सेंटीमीटर इक्वल टू बेस। बेस हमारा क्या है, बेस जस्ट पी क्यू की लंबाई हो चुकी है, बेस हमारा पी क्यू हो चुका है, कंफर्म हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं। तो आई जस्ट आपके ये मीजरमेंट, इट्स मीन्स मीजर दिया, लेंस तो फाइंड हो गए। अब हम बात करेंगे क्या कुछ ऐसा कि ये क्या है, कुछ स्ट्रक्चर बनाए हैं। ऑलरेडी हमारे सामने स्ट्रक्चर आ गया है तो फटाफट एक थम्स अप इसे जरूर देंगे बच्चों। इसी के साथ हम न्यू पोजीशंस को लेकर के आ रहे हैं, देखते क्या है, होता क्या है, होगा क्या। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन What is the steps of construction? अरे भैया जो किए हो सो आपके सामने है, कोई प्रॉब्लम नहीं। करेंगे क्या, सबसे पहले ड्रा ए सर्कल, फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले आप ये समझ लेंगे। इसमें आप चार्ट सेंसेस में लिखेंगे कि हाँ मैम एक भी पॉइंट हमारे मिस नहीं हो रहे हैं, तो फटाफट हमें भी ये खुशी होगी, नहीं हमारे पढ़ाए हुए बच्चे बहुत ही आगे जा रहे हैं क्योंकि आपको हाई लेवल मार्क्स ले आने हैं, तो ले आने कंफर्टेबली हो चुका। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में आप क्या करोगे, क्या आपको समझ में आ रहा है, ऑलरेडी आपको करना क्या है। तो करेंगे क्या कि ड्रा ए सर्कल ऑफ सेंटर ओ एट रेडियस 6 सेंटीमीटर। ड्रा ए सर्कल, एक सर्कल बनाए हैं ऑफ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ भी लिख सकते हैं, सेंटर ओ के साथ एट 6 सेंटीमीटर रेडियस, एट 6 सेंटीमीटर रेडियस, सॉरी रेडियस नहीं लिखे हैं, रेडियस 6 सेंटीमीटर क्या है, जस्ट रेडियस है, कंफर्म हो चुका। एंड सेकंड पॉइंट पे आपने क्या किया, आपने इसमें क्या किया, बाई थ्योरम अकॉर्डिंग हमें लगा, कंफर्म हो चुका ना। आप कुछ भी नहीं किए हो, क्वेश्चंस में दिया गया फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट सेंटर, तो करेंगे क्या, लोकेट अ पॉइंट पी 10 सेंटीमीटर। कहने का मतलब लोकेट अ पॉइंट पी, पी हमने एक पॉइंट लिया है कितना 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अवे इट्स सेंटर, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम, कहोगे नहीं तो नहीं, क्यों, क्योंकि आपको फिर से बता रहे हैं बच्चों कोई भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली, होता क्या लोकेट अ पॉइंट पी, एक हम पॉइंट ए तो हमारा पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ओ है, तो लोकेट पॉइंट एक पी पॉइंट है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे फ्रॉम इट सेंटर, इस सेंटर के 10 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट हमने क्या लिया है, पी पॉइंट को हम जस्ट ले चुके हैं आप, जिससे हमें कंफर्म होता है बाइसेक्ट ओपी। थर्ड पॉइंट में हमने क्या लिखा, बाइसेक्ट ओपी, ओपी को क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया है किस पॉइंट पे, एट एम पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या लिखते हैं कि एम पॉइंट मिडिल, यानी कि मिड टर्म्स, आप जैसा कुछ ये निकाल रहे थे टू द सर्कल एंड मेजर दिस लेंथ, पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाए हो ना, जब पेयर ऑफ टेंजेंट्स हमारा बन चुका है तो हम करते क्या है कि मिड पॉइंट हमारा यम है, तो लेट यम बी द मिड पॉइंट ऑफ ओपी। कहने का मतलब है लेट यम पॉइंट को हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट ले चुके हैं एट पॉइंट ऑफ एपी, ऑफ सॉरी लेट यम बी द मिड पॉइंट एट एपी, एट ओपी, ओपी पे हमारा हो चुका है मिड पॉइंट तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। अब जब लेंथ बना रहे हो, क्योंकि आपको बताया जा चुका है रेडियस हमारा 6 सेंटीमीटर है, फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर की दूरी पे हम एक यम और बना चुके हैं, तो हम करेंगे क्या कि जब हम यम को ले चुके हैं इंटरसेक्टिंग कंडीशन ओपी, तो हमारा हो जाता है यम एज द सेंटर, यानी कि लेट यम बी द मिड पॉइंट एट ओपी, यम हमारा क्या है मिड पॉइंट है ओपी का। अब हम बना लेते हैं यम एज सेंटर, यम को अगर हम बना लेते हैं मेन पॉइंट अगर हम बना लेते हैं वो सेंटर हो गया है, तो हमारा क्या होगा, एक रेडियस बन रहा है यम एज द सेंटर टू ओ एम इज अ रेडियस।
तो OM हमारा क्या होगा, रेडियस हो जाएगा। जब हम OP से इंटरसेक्ट M पॉइंट पे कर रहे हैं तो M को अगर हम सेंटर ले लेते हैं तो OM हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं, 4 पॉइंट्स ऑलरेडी आपके हो चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए तो OM एज अ रेडियस ऑफ अ सर्कल, क्या ऑफ अ सर्कल 6 सेंटीमीटर का जस्ट बना है। चलो फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं, इसी लेक्चर्स में फिर हम आपको आगे की भी पॉइंट्स बताने चल रहे हैं। नोट डाउन हो गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए नोट डाउन हुआ, चलिए इतना नोट डाउन हुआ। अब 5 पॉइंट हम देखते हैं, 5 पॉइंट को क्या देखते हैं कि P पॉइंट को हमने क्या किया है, PQ एंड PR डबल टेंजेंट्स लिए हैं। तो करेंगे क्या कि PQ एंड PR द टेंजेंट्स, लेकिन उसके पहले हम बताने से पहले आपको थोड़ा सा ये कंडीशन रिमूव करने होगी, क्योंकि 5 कंडीशंस में जस्ट आपको उधर बताया जाएगा और इसी के साथ हम बताने वाले हैं आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी हो चुकेगा जस्टिफिकेशन के साथ। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लेते हैं इसी लेक्चर्स में। चलिए नोट डाउन हुआ, कोई भी प्रॉब्लम्स हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए बच्चों, नोट डाउन करिए। चलिए 5वां पॉइंट तब तक आप लोग सोचते रहिए। चलिए समझ में आ गया ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है ना। आप दबा के थम्स अप करेंगे क्योंकि आपको एक भी पॉइंट्स आपके मिस नहीं हो रहे हैं, तो ऑलरेडी आई गेस आपको लेक्चर बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो होगा क्या, 5वें पॉइंट में आपको हम कहे थे कि आप सोच विचार के रखेंगे, तो कंडीशन क्या लिख चुके हैं, चैट सेक्शन में लिखे क्या है, चलिए फटाफट हम देख रहे हैं। होता क्या है कि 5 स्टेप पे हम जस्ट देखेंगे, 5 स्टेप हमारे होने वाले हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस में। IM को तो हम ऑलरेडी एज ले चुके हैं, अब हम देखेंगे PQ एंड PR हमारा ज्वाइन हो रहा है, बट उसके पहले हम क्या करेंगे कि लेट अ सर्कल Q एंड R पॉइंट एट द गिवन पॉइंट, जो कि पहले हमारा क्या हो चुका है, गिवन किया जा चुका है, वो कंडीशन हमारी दी जा चुकी है। तो करेंगे क्या कि लेट इट इंटरसेक्ट एट गिवन, कहने का मतलब है लेट इट इंटरसेक्ट, यह क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है द गिवन सर्कल, कौन सा, द गिवन सर्कल एट पॉइंट क्यू एंड आर। कंफर्म हुआ, लेट इट इंटरसेक्ट, यह इंटरसेक्ट हो रहा है क्या, एज द गिवन सर्कल, जो कि सर्कल दिया जा चुका है एट पॉइंट क्यू एंड आर। एंड 6 पॉइंट टर्म में हम बना लेते हैं इस सेक्शन में। नाउ आप जुड़े रहेंगे तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो मिल रहे हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी जान रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 का फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर में कुछ ऐसा। तो इंट्रोडक्शन इसलिए नहीं आपको ऑलरेडी बताया गया, क्योंकि इंट्रोडक्शन बताने की जरूरत नहीं है जब आपके क्वेश्चन सारे के सारे इसी टर्न पे बने हुए हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन आपको पार्ट फर्स्ट में डबल बताया जा चुके हैं बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ऑलरेडी आप जान चुके हैं ना। तो करेंगे क्या, ज्वाइन PQ एंड PR, पैरेलल PQ एंड PR लाल को मिला देते हैं, ज्वाइन कर दिए प्यारे लाल जी को। आगे क्या पॉइंट्स होगा, तो अब ये रिक्वायर्ड हो जाएगा, देन PQ एंड PR क्या हुआ, रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो चुके, ऑलरेडी क्या ट्रायंगल है नहीं, टेंजेंट्स हैं। तो लिखेंगे क्या, इसे लिखना कैसे है बच्चों, कि PQ एंड PR आर द Required, are the required, already वो सहमत हैं, required two tangents, इसे क्या लिखेंगे, tangents, कहने का मतलब PQ and PR are the required, हो चुके हैं प्यारे लाल एम PQ जी, क्या हो चुके हैं, required two tangents हो गए। जब आपका इतना confirm हो चुका है कि two tangents हो चुके हैं, तो करेंगे क्या कि after measuring Dear lens, after measuring dear lens, उसकी जो length है उसको measurement करने के बाद क्या आता है, of tangents PQ and PR का, PQ and PR का measuring dear lens of PQ and PR is 8 centimeter of each, दोनों का 8 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि आप जस्ट पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ चुके थे, पाइथागोरस थ्योरम में 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा
आपके हाइपोटेन्यूज हुई एंड 6 सेंटीमीटर हमारा ये हुआ था क्या, परपेंडिकुलर हुआ था बच्चों। और ये हमारी बेस परपेंडिकुलर पी क्यू जो कि फर्स्ट इक्वेशन में आपको पहले भी बताया जा चुका है आ चुका था 8 सेंटीमीटर। ओके नो डाउन हुआ तो हमारा जस्टिफिकेशन खत्म हुआ। अरे नहीं भैया कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ, आने वाला है जस्टिफिकेशन। अबाउट टू में लगा हुआ है, जस्ट क्या लगा है, पेंडिंग में लग गया है बेचारा। तो आगे के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन खत्म होता है, स्टेप्स ऑफ जस्टिफिकेशन में आपके माइंड में बनता क्या है, स्टेप्स ऑफ जस्टिफिकेशन में ये होगा कि ओपी ओक्यू इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, एक हम ट्राइंगल बना लेंगे तो दोनों भी आपके ऑलरेडी सिमिलरिटी हो जाएंगे। तो होता क्या है जस्ट हम आगे के पोजिशन में देख लेते हैं। चलिए नोट डाउन कर लेते हैं, इतना फटाफट नोट डाउन कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप फटाफट कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो हम रिमूव करते हैं कंडीशन को, क्या होता है कंडीशन रिमूव। अब हम देखेंगे जस्टिफिकेशन, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ जस्टिफिकेशन, पता है क्या पता है, ये देखेंगे कि ओपी हमारा क्या है, ओक्यू इज अ परपेंडिकुलर टू पी क्यू बाई थ्योरम किसके 10.1 या फिर 10.2 के, आपके 10.1 के थ्योरम के अकॉर्डिंग है। तो जस्टिफिकेशन में एट पॉइंट हम सबसे पहले लिखेंगे क्या कि ज्वाइन OQ एंड OR, क्योंकि हमने OQ को भी मिलाया है एंड OR को भी मिला चुका है, OQ एंड OR, तो OQ एंड OR यहां तक नोट डाउन हो गया, ज्वाइन OQ एंड OR। अब क्या करते हैं कि हमारा एंगल PQO एंड एंगल PRO, कहने का मतलब डबल ट्रायंगल है, PU तो कॉमन है भैया, OR एंड OR अगर कोई भी ट्राइंगल है, एक एंगल है इसमें बताया जाए, चलिए एंगल एंगल को साइड करते हैं, कैसे करेंगे, OQ इज इक्वल टू OQ इक्वल टू OR हमारा क्या होगा, सेम सर्कल ऑफ द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस है ना भैया, एंड OP इक्वल टू OP जस्ट कॉमन होगा, एंड फिर हमारा PQ इक्वल टू PRG हमारे क्या होंगे, टेंजेंट्स होंगे। तो भाई एंगल 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 क्राइटेरिया से कंडीशन, तो एंगल PQO एंड PRO सिमिलरिटी की कंडीशन हो गई, नोट डाउन। चलिए तो एंगल PQO इक्वल टू PRO, तो चलिए PQO जब हम सॉल्व कर लेंगे अपना, PQ जब हमारा ऑलरेडी हो जाएगा तो PR भी उसमें ट्राइंगल के सिमिलरली होंगे। तो हमारा PQO क्या है, PQO क्या है आपके बताया जा चुके हैं, जो सेमी सर्कल है। तो लिखेंगे कैसे इसको कि एंगल PQO इज एन सेमी सर्कल, इज एन यह एक क्या है, एंगल है, POQ एक एंगल है ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एंगल PQO इज एन एंगल ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एक एंगल हो गया है। और हमें यह भी पता होता है कि सेमी सर्कल का जो एंगल होता है जस्ट 90 डिग्री का होता है, क्यों, OQ इज अ परपेंडिकुलर टू QP, इतना कंफर्म हुआ। तो अब नाउ वी नो दैट, हमें कंडीशन पता है कि वी नो दैट, हमें ये भी पता है बच्चों, ऐसे देखेंगे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, फटाफट देखेंगे कि OQ एंड OR को हमने ज्वाइन कर लिया, एंगल PQO हमारा क्या है, एक एंगल है आप सेमी सर्कल का PQO जस्ट सिमिलर टू, यानी कि एंगल PQO इक्वल टू किसके है, PRO के, एंगल PRO, ये हमारी जस्ट कंडीशन सिमिलर की होती है। तो एक सिमिलरिटी कर दिए तो दूसरा सिमिलरिटी करके जस्ट एस हम लिख लेंगे। तो वी नो दैट, हमें कन्फर्म भी है कि सेमी सर्कल ऑलरेडी क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, सेमी सर्कल क्या होता है 90 डिग्री का। तो लिखेंगे कैसे कि एंगल इन अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल ऑफ 90 डिग्री, ये होता है जस्ट 90 डिग्री का, यानी कि राइट एंगल होता है, 90 डिग्री ना समझ में आ रहा हो, ऑफ राइट एंगल ऐसा लिख लेते हैं, राइट एंगल, अब तो समझ में आ गया, जस्ट राइट एंगल को 90 डिग्री ही कहते हैं बच्चों। तो ये एंगल PQO हमारा हो जाएगा 90 डिग्री का, जस्ट हमें पता हो गया PQO हमारा 90 डिग्री का हो गया, तो OQ इज अ परपेंडिकुलर टू QP, तो हो जाएगा OQ इज अ परपेंडिकुलर टू QP, फ्रॉम बना लिए सेकेंड इक्वेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो OQ इज अ परपेंडिकुलर टू QP, OQ इज परपेंडिकुलर टू चाहे QP कहिए PQ कहिए, ऑलरेडी हो गया। ये क्या है थ्योरम 10.1, थ्योरम 10.1, व्हाट इज द थ्योरम 10.1, यही तो होता था ना,
कि रेडियस ऑफ द परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स, जो रेडियस होता है हमारा वो क्या होता है परपेंडिकुलर के, ऐसा लिखेंगे कि सिंस, लिख लीजिए, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस. कंफर्म हो गया ना कि ऑलरेडी हमारा सिंस टेंजेंट जो होता है परपेंडिकुलर होता है रेडियस के, तो हमारा परपेंडिकुलर हो गया रेडियस के. तो चाहे क्यों भी लिखिए, ओ क्यों लिखिए, ऑलरेडी आपके ऑलरेडी सब कुछ सही ही सही है. हो गया कंफर्म. चलिए, तो जहां पे हम वेयर लिख करके ये भी सिमिलरिटी बता सकते हैं, ओ क्यू इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. कहने का मतलब है बच्चों कि ओ क्यू हमारा क्या है, रेडियस है सर्कल का, एंड पी क्यू क्या है, टेंजेंट्स है. एंड पी क्यू इज अ टेंजेंट ऑफ सर्कल. जब हमारा कंफर्म हो गया, यही तो निकालना था कि ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट. यहाँ तक तो हो गया. कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स को कंस्ट्रक्ट करिए, उसके मेजरमेंट को बताइए. दिया है सर्कल, आप सर्कल के, कहने का मतलब है पी क्यू, जस्ट पी क्यू एंड पी आर को बताना था. एंड इसकी लंबाई भी हमारी 8 सेंटीमीटर आ चुकी है. जस्ट आपका कंस्ट्रक्शंस भी हो चुका, वो भी रिक्वायर्ड हमारा हो चुका, और जस्टिफिकेशंस पे आ गए. तो पी क्यू इज द टेंजेंट्स ऑफ सर्कल, ये ऑलरेडी हो गया. जहाँ पे ये कंडीशन हेंस प्रूविंग क्यों आ गई, सिमिलरली करेंगे क्या, सिमिलरली इसी के जस्ट एज पी क्यू हो गया, तो पी आर भी हमारा क्या होगा, पी आर इज अ टेंजेंट ऑफ सर्कल. चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, हो गया, लिख ही देते हैं. चलिए, पी आर इज अ टेंजेंट ऑफ सर्कल. यहीं पे कंडीशन हैंस प्रूव, नोट डाउन हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, कुछ भी नहीं करना. इसके मेजरमेंट भी हम निकाल ले चुके, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी हो चुका ऑलरेडी. कहीं भी कम पूछे जाते हैं आपके जस्टिफिकेशन, फिर भी जब आ जाते हैं तो ये भी हमें निकालना होता है, ऑलरेडी आपको बताना होता है. तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम बच्चों हो तो आप चैट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे. और जस्ट लाइव हम क्लासेस सुबह 9 बजे मिलते हैं, तो फटाफट देख लेंगे हमारे क्लासेस को. और हाँ, एक बात ये भी बताना चाहेंगे, शाम टाइम में भी आपके 9 AM से 9 PM जस्ट क्लासेस चलते हैं, 9 AM से 9 PM. तो टाइमली आपके एक ही जस्ट होने वाले हैं, AM PM में चेंजिंग है सुबह शाम. ओके, तो चलिए होता क्या है, जस्ट नेक्स्ट सेक्शन में हम मिलेंगे यही क्वेश्चंस के लेकर के. नहीं भैया, क्वेश्चन नंबर सेकंड होने वाला है. होता क्या है, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, तो आप पढ़ते चलेंगे और नोट डाउन करते चलेंगे. और PDF नोट्स, आपके PDF नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक दी जा चुकी है, आप जाके देख लीजिए, या फिर आप टेलीग्राम ऐप पे कर सकते हैं. होता क्या, हमारे टेलीग्राम ऐप से जो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक है उस पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम है, सब कुछ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है. इसके नोट्स सभी के सभी सारे के सारे लिंक्स दिए जा चुके हैं, आप जाके क्लिक कीजिए और सारे के सारे PDF नोट्स आप फाइंड कर लीजिए. तो चलिए नोट डाउन करते हैं, ऐसे ही सेशन में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ.